गाइस, अभी कुछ टाइम में आईफोन 14 लॉन्च होने वाला है, जो कि सितंबर 14 को शायद लॉन्च होगा। एक्सपेक्टेड डेट यही है। तो इसके बाद, इस लॉन्च के बाद सारे आईफोन्स के प्राइस ड्रॉप होने वाले हैं, और जो आईफोन 12 का प्राइस है, जो बिग बिलियन डेज में मिलने वाला है, वो भी काफ़ी कम दिखेगा आप लोग को। प्रेजेंटली आईफोन 12 64 GB वाला 60,000 का मिल रहा है। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल में, जो कि सितंबर के लास्ट वीक में आएगी या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग के वीक में, तो इस सेल में आईफोन 12 का प्राइस आप लोग को कुछ 48 या 49,000 के आसपास तक का ड्रॉप हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर से आप लोग अगर बैंक ऑफ़र और एक्सचेंज ऑफ़र लगाते हैं, तो ये आईफोन 12 आपको 42 to 43,000 तक का प्राइस रेंजिंग में मिल जाएगा। ये मैं सब डेटा बेस वेरिएंट 64 GB वाले का बता रहा हूँ। और अगर आप लोग का मन है आईफोन 12 मिनी लेने का 64 GB वेरिएंट, तो प्रेजेंटली 55,000 का फ्लिपकार्ट पे शो कर रहा है। बिग बिलियन डे सेल में इस मोबाइल का, आईफोन 12 मिनी का प्राइस ड्रॉप कुछ 44,000 या 42,000 तक का हो जाएगा। और इसके ऊपर से आप लोग अगर बैंक ऑफर लगाते हैं, तो जो लोएस्ट प्राइस इसका है वो है 38,000। तो आप लोग को आईफोन 12 मिनी का प्राइस बिग बिलियन डे सेल में सारे ऑफर लगा के लोएस्ट मिलेगा 38,000 तक का। लास्ट ईयर बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 12 की प्राइसिंग जो ड्रॉप हुई थी, वो हो गई थी 48,000, और उसके कुछ यूनिट सेल होने के बाद उसकी प्राइसिंग कर दी गई थी 49,000। तो इस बार बिग बिलियन डेज में एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो ड्रॉप है 44,000 का। और ये जो प्राइस है 44,000, इसमें बैंक ऑफ़र इंक्लूड नहीं है। अगर इसमें आप लोग बैंक ऑफ़र अलग से लगाते हैं, तो मिनिमम जो वैल्यू, लोएस्ट प्राइस जो है, वो आपको 42 के नियर अबाउट मिल जाएगा। और सेम है आईफोन 12 मिनी का। आईफोन 12 मिनी के प्राइसिंग जो लोएस्ट है, वो आपको 38,000 या 39,000 तक का ड्रॉप मिल जाएगी।